अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को देखूंगी तो नीचे ना गिर जाऊँ। तो अभी जो है ना, मैं नीचे ही जा रही हूँ। और दिन भर हम लोगों ने क्या किया, चारपाइयाँ तोड़ी, बस सोते रहे सोते रहे। और अभी भी उठने का दिल नहीं चाह रहा था, बस मासी ऊपर आई थी। चल सीढ़ियों पर बैठ के बात कर लेते हैं। मासी ऊपर आई थी तो उसको पहले देखने गई थी कि वो कर क्या रही है। तो बस वो काम कर रही थी तो सोचा कि चले वीडियो से ना आप लोग से हाय हेलो कर लूँ। आज कोई ऐसा खास काम भी नहीं है, क्या दिखाऊँ। आज जाने का प्रोग्राम था मेरा, नहीं जा पाई मैं। वो इसलिए कि जिसने हमें ट्रीट दी थी वो तो चले गए साहबजादे, वो अभी तक आए नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड की गाड़ी पंचर हो गई थी कल, उसका टायर फट गया, तो आज उन्होंने पंचर भी लगवा लिया। फाइनली लगवा तो लिया, मगर वो कह रहे हैं कि अभी जाना मैं नहीं निकालना उल्टे सीधे रस्तों पे गाड़ी, क्योंकि मुझे कराची लेके जाना है। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो गई है हमारी गाड़ी के साथ। तो जब तक कराची नहीं पहुँचेंगे ना, अभी हस्बैंड हमें कहीं नहीं लेके जाने वाले। आज तो फाइनल हो गया मेरे साथ ही है। अभी मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कोई चार बच्चों को तैयार कराऊं। मेरा दिल चाहता है मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली घूमने जाऊं और अकेली घूमूं फिरूं, मुझे लगे कि हाँ भाई मैं और मेरे हस्बैंड हैं। बस बच्चे तो बस उफ अल्लाह, सब सुन रहे हैं मेरी बातें। जब तुम लोग पैदा हुए थे मैंने तुम लोग को सिखाया था मुझे मम्मा बोल दो मम्मा बोल दो, तो ये लोग बोलते नहीं थे। और अब ये लोग चुप ही नहीं होते, मम्मा 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 मत बोला करो प्लीज। क्या बोला करूँ, क्या बोला करूँ, कुछ भी बोल दिया करो, मम्मा नहीं बोला करो, मुझे शर्म आती है। तुम्हें शर्म कह सकते हो ना मम्मा, बस सारा दिन मत बोला करो। दिन में तीन वक्त होते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो तीन वक्त में मम्मा, सुबह दोपहर शाम रात, हाँ बस वो जो भी हो तीन से चार मरतबा, सारा दिन नहीं बोलते, बुरी बात होती है बहुत ज्यादा। तो बस अभी देखें जी, अभी हमजा साहब कब आएंगे हमें तो कुछ नहीं पता। फ्रीट उनकी थी, आज हो सकता है हम मंगा लें खाना, यहीं पे मंगा लें। तो वीडियो बनाने का भी कोई इरादा नहीं था, मगर मैंने कहा चलें बातें शाते कर लेते हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सदफ, और उसका नाम लेना अच्छा लगता है मुझे सदफ का। आई मिस यू सदफ, आई मिस यू शाइना, अपनी सारी दोस्तों को मैं मिस कर रही हूँ। और मैं अपनी मानों को बहुत मिस कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल डिप्रेस है, बहुत परेशान है। और मैंने सबसे बड़ी बात है कि मैं उसकी परेशानी नहीं देख सकती मानों की। सबसे पहले कराची जाके ना अपने घर के काम निपटा के मैं सबसे पहले मानों के घर जाऊँगी, क्योंकि मैं मुझे एक अरसा होने वाला है, समझे कि मैं नहीं गई हूँ। तो मानों के घर जाऊँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रह गई तो। क्योंकि मानो जो है ना वो बेचारी बहुत इतना सा दिल है, वो बोलेगी कि देखें अभी आप नहीं आई, ज़रूर इंशाल्लाह उसके घर पे जाऊंगी अगर ज़िंदगी रह गई। तो बस जी, इसके अलावा यहाँ मक्खियों से क्या बोलते हैं इसको, स्वागत, मक्खियाँ बहुत स्वागत करती हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये देखें पसीना, ये पसीना है हमारा, पसीना ही पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना है यहाँ पर। बस नहा कराओ 5 मिनट के बाद, ओनली 5 मिनट्स के बाद फिर आप वही शर 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 हुई वाला। 3 दिन अच्छे गुजरे हमारे, जिस दिन हम लोग पहुँचे उसके दूसरे दिन और दूसरे दिन, 9-10 मुहर्रम, तो 10 मुहर्रम से लेके आज का दिन तक बहुत गर्मी, शदीद गर्मी जैसे बोलते हैं। और आज हमने बनाया था चिकन आलू का सालन दोपहर में, और बहुत अच्छा बना था, जो कि हम लोगों ने खाया। बाकी क्योंकि खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था, रख दिया था हम लोगों ने। और आज छोटी सी वीडियो बना के मैं लोड कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, मगर मैं क्या करूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। अभी तो मैं ड्यूटी अदा भी नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू है, और लाइट इतनी जाती है गाँव में, गाँव वालों को पता होगा, 1 घंटा जाती है 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है 1 घंटा आती है। तो बस अन्नू मुझे देख के छुप रही है, अन्नू तुम नज़र नहीं आ रही, तुम किसी को नज़र नहीं आ रही, खुदा के लिए ये लड़की पता नहीं क्या है, वैसे तुम किसी को नज़र नहीं आती हो, अन्नू छुपती रहती है भाई, बड़ा पर्दा, उफ अल्लाह। ये पता कौन सा बुरखा पहनती है कहीं जाती है तो, बता दूँ बता दूँ
ये वो पहनते हैं यहाँ पर मेरे ससुराल में जो है ना पहना जाता है, वो जो पठानों वाला बुरखा नहीं होता, वो जो जाली वाला और लंबा पाँव तक, तो मेरी सास पहले पहना करती थी, मेरे नंदे भी पहनती है, सब पहनते हैं यहाँ पर, सिर्फ लाइफ में मैंने नहीं पहना। तो मैं जो हूँ ना, मैं एक्चुअली वैसे बुरखा पाया ओढ़ लेती हूँ, मगर टोपी वाला बुरखा मैंने कभी नहीं ओढ़ा। ये भी ओढ़ती है, जैसे कहीं पड़ोस में जाना होता है ना, तो ये बुरखा वुरखा ओढ़ के जाते हैं। यहाँ पे ऐसा समझ लें कि एक दीवार से दूसरी दीवार, भले गली में कोई भी ना हो, यहाँ पर कोई भी ना हो ना, फिर भी ओढ़ के जाएंगे, यहाँ का ये बड़ा रिवाज है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं भाई, समझ में नहीं आता। तो बस अभी जो है ना, अन्नु भी ऐसी करती है, अन्नु भी अबाया ओढ़ती है, बहुत लंबा वाला अबाया। मैंने कहा किसी दिन, एक दफ़ा ये अपने अबू के साथ जा रही थी तो इसके पाँव के नाखून तक नज़र नहीं आ रहे थे, इस तरह के बुरखे अबाये यहाँ ओढ़े जाते हैं। इसलिए मैं बाहर की वीडियोस भी नहीं बना के कैप्चर कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जाना, मैं खुद इतनी ट्रेंड में आई हुई हूँ, क्या मैं किसी की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी गांव में कि विलेज क्या, विलेज ये। हमारे ससुराल में बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है हमारे, यानी औरतें खवातीन बाहर नहीं जा सकती हैं। एक वाहिद मैं हूँ जो बहुत खुला माइंड है, मेरा खुला माइंड है ये मेरा। सोनू साहब आ गए, सोनू साहब। और ये माइंड जो है ना मेरा, इसलिए भी है थोड़ा सा क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, शायद इसलिए खुला माइंड है मेरा। मैं नहीं सोचती ये भाई दुनिया, ये वो सवाल जवाब दुनिया वालों को कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, इंसान का दिल और दिमाग अच्छा होना चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। अबाया ओढ़ने से कोई पर्दा नहीं आ जाता, दिमाग पे पर्दे जो हैं मैंने वो इंसान को सेट करने चाहिए। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।